पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लियामानी पार्टी का इजलास गवर्नर हाउस में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में हुआ, जिसमें पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा, वफाकी वजारा रहमान मलिक, हिना रबानी खर और फिरदौस आशिक अवान, पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर इम्तियाज सफदर वड़ाइज और जनूबी पंजाब के सदर मखदूम शहाबुद्दीन, सैनेटर जहांगीर बदर और फरजाना राजा ने भी शिरकत की। दो नाराज अरकान पंजाब असम्बली अख्तर मलिक और अब्बास राह ने इजलास में शिरकत नहीं की। अरकान पंजाब असम्बली ने तरक्याती फंड्स और असला लाइसेंस कोटे का मसला उठाया और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। उस्मा बुखारी ने अपने खानदान के बारे में इंटरनेट पर गैर शाइस्ता मवाद की इशात के खिलाफ कार्रवाई न करने पर शदीद एहतजाज किया और कहा कि वो आज से किसी पार्टी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगी, जिस पर वजीर आजम ने फौरी तौर पर वजीर दाखिला रहमान मलिक को उस पर कार्रवाई का हुक्म दिया। अकलेती अरकान ने साबिक वफाकी वजीर शहबाज भट्टी के कत्ल की तहकीकात की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली मजीद 4-4 करोड़ रुपए के तरक्याती मनसूबे भेजें, उनको फीकस मजमुई तौर पर 7-7 करोड़ रुपए के फंड्स दिए जाएंगे, जबकि हर रुकन असम्बली को 5 ममनुआ बोर और 10 दीगर असला के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उनका कहना था कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की साजिशें इसलिए की जा रही हैं कि आइंदा पीपल्स पार्टी हुकूमत ना बना सके, लेकिन सब साजिशों का मुकाबला करेंगे। जमहूरियत रहनी चाहिए, हमारे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जब मेमो गेट पर पार्लियामेंट की इंतहाई बाख्तियार कमेटी को तहकीकात का कह दिया था तो नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी। पीपल्स पार्टी को 4 साल से नॉन इश्यूज में उलझाया जा रहा है, लेकिन पार्टी वर्कर घबराए नहीं, मुत्तहिद रहें। इजलास के बाद पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद ने गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वजीर आजम का कहना है कि मेमो स्कैंडल हो या नेटो की जारहियत, सारी आईनी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। सदर आसिफ अली जरदारी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर आजम साहब ने नेटो हमलों के हवाले से बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि इनकी तमाम तर्ज जिम्मेदारी जो है वो मेरे पे है, मैं इसे कबूल करता हूँ और इसके लिए भी जो कोई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आए उसके वो फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का इससे कोई तल्लक नहीं। इम्तियाज सदर वड़ाइश ने कहा कि इजलास में तमाम अरकान असम्बली ने सदर और वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सदर को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हम साजिशें नाकाम बनाना जानते हैं। पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में पंजाब से सिर्फ 2 मुल्तान के अराकीन नहीं पहुँच सके, बाकी तमाम अराकीन पंजाब असम्बली हमारे मौजूद थे और उसमें ये तासर जो लोग ये दे रहे थे कि पंजाब असम्बली में या पंजाब पीपल्स पार्टी के अराकीन में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, आज उसकी नफी हो गई है। इजलास के इख्तिताम पर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बगैर सिक्योरिटी के मामूल के रोड पर खुद गाड़ी चलाकर गवर्नर हाउस से रवाना हुए और इस दौरान ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलती रही। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ आमिर डार, सिटी 42।